हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों, तारीख है 30 मार्च और समय है मॉर्निंग के 5 बजे। 5 बजे का टाइम होता है हमारे करंट अफेयर की क्विज का। सो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ 5 अच्छे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द करंट अफेयर क्विज। सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन। जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये पूरा का पूरा जो क्विज सेशन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन 2020 2020 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका रहने वाला है दोस्तों। अन अकेडमी एज के नाम, यूपीएससी एज के नाम से हमारा प्रोग्राम है यूपीएससी चैनल के ऊपर, यूपीएससी अकेडमी चैनल के ऊपर। 2 मार्च से हमने स्टार्ट किया था। दिस इज अ यूनिक इनिशिएटिव, फर्स्ट टाइम इन द इंडिया कि हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है पूरा यूट्यूब पे करा रहे हैं दोस्तों। तो हमारे साथ जुड़े रहें और बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताइए और बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा पाए दोस्तों। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर ये प्रोग्राम था हमारा यूट्यूब, बट दिस इज द अनअकैडमी एज प्लस प्रोग्राम। बेसिकली इट इज ऑन कहां पर आपका ये अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर है। मेरी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास यहां पर हो रही है 9 से 10 AM मॉर्निंग के अंदर हम ये क्लास करते हैं। दोज गाइस हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस, दे कैन कम एंड ज्वाइन द अनअकैडमी और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप रेफरल कोड में यूज करना सुमित10, सुमित10 आप यूज करोगे, यू विल बी अंडर माई गाइडेंस। आपको मैं पूरा गाइड करूंगा कैसे क्या करना है एंड यू विल ऑल्सो गेट अ 10% डिस्काउंट। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, यू ऑल नो अबाउट द कोरोना, यू ऑल नो अबाउट द पेंडेमिक कोविड-19। बहुत सारे इवेंट आ रहे हैं, आप देख रहे हो पूरा चैनल भरा पड़ा है ना। इसलिए मैं कोई इस पे कोविड के ऊपर मैं कोई शो ही नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यू ऑल नो दैट आपके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, आप बहुत अच्छे से इसके बारे में जान चुके हो। दैट्स वाई आई डोंट थिंक देर इज एनी काइंड ऑफ नीड कि एक पैंडमिक को मैं इतना बढ़ा चढ़ा के कुछ बात बोलूं उसके ऊपर हम बताएं। बट या यू ऑल नो दैट, यू ऑल नो व्हाट अबाउट दिस कोविड-19। सो एक ट्रेजेडी है, बस हमें हिम्मत रखनी पड़ेगी, इससे बाहर निकलना है जैसे जैसे करके, अब चाहे लॉकडाउन हो कुछ भी हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, दिस इज द ओनली वे टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। सो हमें कोई इतना खास इससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस ट्राई टू यूज दीज 20 डेज, 21 डेज जो आप आइसोलेट किए हुए अपने आप को, ट्राई टू यूज दीज 21 डेज फॉर द सेल्फ इम्प्रूवमेंट, है ना। येस्टरडे आई स्पोक विद वन ऑफ माई स्टूडेंट, एक मेरा स्टूडेंट था जिनसे मेरे को बात करने का कल मौका मिला यार। सो यूजली मैं उसको काफी चीजें सिखाता था, बट कल उसने मेरे को बहुत अच्छी बात सिखाई यार, बहुत अच्छी बात सिखाई। और वो अच्छी बात मैं आपको हो सका तो मैं मॉर्निंग जो हमारा करंट अफेयर का सेशन रहेगा 8 बजे उसके अंदर बताऊंगा उन्होंने मेरे को क्या बताया। सो मुझे उससे काफी सीखने को मिला। सो मैंने कहा कि आज से मैं आपको सर बोलूंगा। उन्होंने बताया कि यार ये सारी जो चीजें है ना, ये जो 20 डेज का टाइम है यार, इसको अपने अपने सेल्फ इंप्रोवाइजेशन के लिए आप इस्तेमाल करो यार, इतना कर दो ना इस 20 दिन के अंदर काम कि दुनिया 6 महीने के अंदर ना कर पाए। मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों, इतना काम कर दो कि दुनिया 6 महीने के अंदर ना कर पाए, मतलब सबको पीछे छोड़ दो यार। ये भारत बंद नहीं है, ये लॉकडाउन नहीं है, इट्स अ अपॉर्चुनिटी टू इंप्रोवाइज योर सेल्फ, अपने आप को निखार के यार दुनिया के सामने रखो, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट स्टार्ट विद टूडेज क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इज बेस्ड ऑन द ऑलिव रिडली टर्टल। ये क्या है दोस्तों, पढ़ लेते हैं। Consider the following statement regarding the olive Ridley turtle. So, olive Ridley turtle are listed as an endangered under IUCN list. So, IUCN list, देखो ये लिस्ट के बारे में मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ाने वाला हूँ इन द टॉपिक बायोडाइवर्सिटी जो आपकी 2 बजे यूपीएससी एज प्रोग्राम के अंडर में क्लास होती है। सो ऑलिव रेडली टर्टल्स आर करंटली द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल, फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट। दीज टर्टल्स नेस्ट ओनली इन द डार्कनेस एंड नॉट इन द डे टाइम। मैं एक बात बता देता हूँ आपको, पहली बात तो ये गलत चीज है। अगर अबंडेंट है, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर ये टर्टल्स हैं, सो एंडेंजर्ड तो ये हो नहीं सकते। सो बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। सो आइदर वन होगा या टू होगा, है ना। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसमें दोनों है एक साथ तो वो गलत हो गया। ऑल ऑफ दी ये भी क्या हो गया आपका दोस्तों, ये रिजेक्ट हो गया। तो आइदर सेकंड सही है और आइदर आपका थर्ड सही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, टर्टल जो है ये सिर्फ घोंसला रात में ही बनाते हैं, दिन में नहीं बनाते, तो ऐसा कुछ नहीं है। सोच के देखो, अगर डिलीवरी का लोड अगर ज्यादा है तो उस केस में दिन के अंदर भी घोंसले बना सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ व्हाई दे प्रीफर द डार्कनेस, ये डार्कनेस को प्रीफर करते हैं जो ये ऑलिव रेडली टर्टल्स है, ये रात में प्रीफर करते हैं अपना नेस्टिंग करना, जो मास नेस्टिंग होती है वो नाइट में प्रीफर करते हैं। बट द रीजन इज क्योंकि नाइट के अंदर जो कोस्टल एरिया है जहां पर बेसिकली मास नेस्टिंग होती है, वहां पर नाइट में जो कम्यूटर्स हैं, जो लोग हैं, टूरिस्ट हैं, उनका लोड कम होता है। सो इनको कोई दिक्कत नहीं होती, तो ये इजिली क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये अपनी मास नेस्टिंग कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन।
सो प्रीफर करते हैं डार्कनेस बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रीजन, बट ये ऐसा नहीं है कि रात में ही करते हैं. सो रिसेंटली अभी अभी बहुत सारी एक रेयर साइट देखने को मिली आफ्टर अ गैप ऑफ द 7 ईयर, क्योंकि 7 ईयर के गैप के बाद में हमें देखने को क्यों मिला है, बिकॉज आप लोग जानते हो बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना, जो टूरिस्ट लोड है यार वहां पर बहुत ही कम है, दैट्स वाई ये अभी आपको रेयर साइट जो है देखने को मिल रही है इन द डे टाइम. अलोंग द रुसिकुल्ला रुकरी कोस्ट इन द उड़ीसाज गजनम डिस्ट्रिक्ट, है ना, जहां पर ये मास नेस्टिंग आपकी होती है. और मुझे अच्छे तरीके से याद है नीरज पारेख सर ने इसके ऊपर एक स्पेशल सेशन भी आपके लिए लेके आए थे. सो दिस इज द मास नेस्टिंग. ओके, तो ये मास नेस्टिंग हो रही है. सो यूजुअली ऑलिव रेडली प्रिफर द नेस्ट इन द डार्कनेस, सम टाइम ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द डिलीवरी टाइम दे मे बी ऑप्टिंग टू द नेस्ट इन द डे टाइम. तो ऐसा नहीं है कि डे टाइम में वो नेस्टिंग नहीं करते, वो डे टाइम में भी करते हैं. दे आर करेंटली द मोस्ट अबंडेंट ऑफ द ऑल सी टर्टल्स, अभी सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले समुद्री कछुए हैं, ठीक है, टर्टल्स मीन्स ये कछुए हैं. ओके, सो अगली बात करते हैं IUCN स्टेटस के अंदर दे आर वल्नरेबल, है ना, दे कम्स अंडर द वल्नरेबल कैटेगरी एंड नॉट इन द इंडेंजर्ड कैटेगरी, कम्स आफ्टर द फैक्ट दैट दे नेस्ट इन द वेरी स्मॉल नंबर ऑफ प्लेस एंड देयर फॉर एनी डिस्टर्बेंस टू द इवन वन नेस्ट बीच कुड हैव ह्यूज रेपरकर्शन ऑन द एंटायर पॉपुलेशन. ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन. अभी आपको पता है ना मध्य प्रदेश के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, नो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लेके आया गया था. मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ की जो सरकार है उसके खिलाफ ये मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था. सो लेट्स डिस्कस द होल थिंग्स, क्या है क्या नहीं है, व्हाट अबाउट द नो कॉन्फिडेंस मोशंस, इसकी हिस्ट्री क्या है, सारी बातें कर लेते हैं. सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन. सो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में है, तो द टर्म नो कॉन्फिडेंस मोशन वॉज नेवर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में इसका अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया. फर्स्ट थिंग, a motion of no confidence against a prime minister must be accompanied by the proposal of the alternative leader to be voted simultaneously. क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर आप अविश्वास प्रस्ताव रख रहे हो तो उसके लिए आपको वैकल्पिक नेता भी सामने रखना होगा, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं सुना भाई, तो ये तो गलत है 100%. राज्यसभा कैन नॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, बिकॉज राज्यसभा के पास में ये नहीं होता. तो ये बात बिल्कुल सही है एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई मेंशन नहीं है, बट आर्टिकल 75 क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो तब तक ऑफिस में रहते हैं जब तक वो कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं लोकसभा का. तो अगर नहीं कॉन्फिडेंस एंजॉय नहीं करते तो उनको रिमूव कर दिया जाता है, तो वो जो मोशन है दैट इज द नो कॉन्फिडेंस मोशन. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो सी इज द राइट ऑप्शन, सी इसका सही जवाब है. अभी अभी मध्य प्रदेश में हुआ है, मैंने बताया था दिस इज द अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास. नंबर ऑफ एनसीएम अभी तक कितने हो चुके हैं, 15 इंदिरा गांधी, 3 लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, 2 मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी कांग्रेस, अटल बिहारी वाजपेयी 1 एंड नरेंद्र मोदी भाजपा, यहां पर भी एक बार अविश्वास प्रस्ताव जो है वो रखा गया. तो 27 बार संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेके आया गया है. मोरारजी देसाई ने अविश्वास प्रस्ताव को की वोटिंग से पहले इस्तीफा दे दिया था, ये जुलाई ये हुआ था. 15 साल का अंतर रहा 26वें और 27वें अविश्वास प्रस्ताव में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में. अब जो अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ रखा गया था. सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द नो कॉन्फिडेंस मोशन, हाउएवर द आर्टिकल 75 इट स्पेसिफाइज दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल. आप आर्टिकल नंबर 75 भी कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दे मस्ट इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, है ना, लोकसभा का विश्वास जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में होना चाहिए, मंत्रिमंडल के पास होना चाहिए, तभी जो चीजें हैं गवर्नमेंट है वो आगे चल सकती है. द लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम द ऑफिसर बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन. द लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन. ठीक है, द मोशन नीड टू सपोर्ट 50 मेंबर, एटलीस्ट 50 मेंबर इसके लिए चाहिए होते हैं. COVID-19 अपडेट है, ये आपको मिलती रहती है, तो ऐसा चल रहा है जैसे आजकल कर क्रिकेट का मैच हो यार, ये चीजें मत देखो. ठीक है, ये कोई देखने से कोई फायदा नहीं है. ठीक है, वो चीजें करो जो आप कर सकते हो. ये क्या करने है? मतलब ये नेगेटिविटी से आपको भर देगा, है ना. मैं देख रहा हूँ यार आजकल ना सब इतनी नेगेटिव चीजों को पॉपुलराइज कर रहे हैं, है ना. COVID-19 ठीक है, ये तो एक तो होता है COVID-19, हमने बहुत पहले COVID-19 को देख लिया था, उसके बारे में सारी चीजें जो थी हम वो डिस्कस कर चुके हैं. नाउ पता नहीं यार क्या हो रखा है कि सबके सब लोग, चाहे वो मीडिया हो, है ना, आजकल छोटा चलता है, छोटा सा साइड के अंदर एक बॉक्स चलता रहता है कि इतनी डेथ हो गई है, ये हो गया वो हो गया, जहां देखो यूट्यूब चैनल पे देखो वहां देखो, हर जगह यार यही चीजें क्यों चल रही है, मेरे को समझ में बात नहीं आ रहा कि वी आर द पीपल्स, लाइक क्यों हम ऐसा कर रहे हैं यार, क्यों क्यों कर रहे हैं हम ये सब चीजें, है ना.
दीज आर द नेगेटिव थिंग्स यार, ये बेकार की चीजें हैं. यू विल दीज थिंग्स विल फिल यू विद द लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी. और मैं तो आपको एक सिंपल सलाह दूंगा यार, इन चीजों से बचो. ये आप ठीक है, जानते हो कोविड क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करनी है, लोगों से दूर रहो. आप चाहे वो आपका अगर आपको लग रहा है कि कोई बंदे के अंदर सिम्टम्स हैं तो उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखो. अच्छा खाओ, अच्छा पियो, बिकॉज आइसोलेशन के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको और भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आप पूरे दिन कुछ कर नहीं रहे हो तो आप फिजिकली इनएक्टिव हो गए हो, तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी जो है वो कमजोर पड़ सकती है. अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाए रखने के लिए सब करो, थोड़ा सा होम वर्कआउट करो, थोड़ी घर पे एक्सरसाइज करो, अच्छी चीजें खाओ, विटामिन सी खाओ, नींबू वगैरह जो है, संतरा, ये थोड़ा बढ़ा दो, फ्रूट डाइट बढ़ा दो. बाहर से जो भी कुछ हो अवॉइड करो. अगर बाहर से आप कुछ भी लेके आते हो तो प्रॉपर ग्लव्स उसका इस्तेमाल करो, पहले उनको धो, या कम से कम 12 से 15 घंटे बाहर से आई हुई चीजों को ऐसे ही रखे रहने दो, उसके बाद उसको इस्तेमाल करो. तो दीज आर द थिंग्स यू ऑल नो अबाउट दिस. बट ये पता नहीं क्या है, स्कोर चलता रहता है यार, तो ये मत देखो यार, मैं आपको सजेस्ट करता हूं, बाकी आप लोगों की मर्जी है. चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों, लाचेन वैली ब्रिज. लाचेन वैली ब्रिज क्या है? तो बीआरओ ने अभी अभी हाल ही के अंदर एक 360 फीट लॉन्ग बेली सस्पेंशन ब्रिज जो है नॉर्दर्न सिक्किम के अंदर इसको इनॉग्रेट किया. ये किस नदी पर है? मैंने अभी बताया था थोड़े दिन पहले, अगर आपको याद हो तो ये तिस्ता, मॉर्निंग करंट अफेयर सेशन में हमने कवर किया, बेसिकली जोन तिस्ता रिवर. इन रिलीफ टू द रेजिडेंट ऑफ द लाचेन इन द नॉर्थ सिक्किम, बीआरओ हैज रिसेंटली ओपन्ड फॉर द ट्रैफिक 360 फीट लॉन्ग बेली सस्पेंशन ब्रिज ओवर द तिस्ता रिवर इन द मुंसितनाग नियर चुंगथांग टाउन. ठीक है, ये उत्तरी सिक्किम के अंदर बेसिकली हुआ है, तो बिल्कुल सही है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ. सो ये इसकी मैपिंग है. सो द अप्रोच रोड टू द ब्रिज हैव आल्सो बीन कंस्ट्रक्टेड, इसके लिए अप्रोच रोड भी बना दिया गया. द ब्रिज विल हैव इंपीटस टू टूरिज्म एंड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द लॉजिस्टिक्स एंड द आर्म्ड फोर्स. देखो लोकलों के लिए तो है ही अच्छा, साथ ही साथ टूरिज्म को भी एक पॉजिटिव इंपीटस ही प्रोवाइड करेगा, और जो आर्मी है उसके मूवमेंट्स के लिए भी एक ये कि अच्छा मार्ग यहां पर रहेगा. ठीक है, अब एक प्रोग्राम है जिसका नाम है दोस्तों अर्पित, ARPIT. तो ऐसे प्रोग्राम जो है वो एग्जाम में बहुत पूछ लिए जाते हैं. तो अर्पित प्रोग्राम ये क्या है दोस्तों? अर्पित प्रोग्राम के बारे में हम बात यहां पर करेंगे. सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम. ये फुल फॉर्म है उसकी, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, इसका नाम है अर्पित, अर्पित प्रोग्राम. सो ये कह रहा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या अर्पित प्रोग्राम का, इज मेनली टू ट्रेन द एकेडमिक हेड हु आर लाइकली टू बी अज्यूम द लीडरशिप रोल इन द फ्यूचर. कि भविष्य के अंदर एकेडमिक प्रमुखों को प्रशिक्षित करना, जो भविष्य के अंदर जो नेतृत्व है वो करने वाले हैं. द इंप्लीमेंटेशन विल बी थ्रू द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज एंड टॉप 100 ग्लोबल रैंक्ड फॉरेन यूनिवर्सिटीज. कार्यान्वयन शिक्षा रैंक के विश्वविद्यालयों और शीर्ष 100 वैश्विक रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालयों के माध्यम से होगा. The focus group of the ARPIT program is second level academic functionaries in the both public and the private funded higher educational institute. मेरे को लगता नहीं है सारी चीजें किसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट तो अपने आप में एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है. सो इसमें से कोई भी चीज जो है वो सही नहीं है. अर्पित प्रोग्राम क्या है दोस्तों? एक स्वयं पोर्टल का नाम आपने सुना होगा. स्वयं पोर्टल का मतलब क्या होता है? एक स्वयं मतलब बिना किसी माध्यम से आप ऑनलाइन लर्निंग कर सको. तो स्वयं पोर्टल से ही बेसिकली इसका कनेक्शन है. क्या है मैं बता देता हूं. देखो अगर मैं देखूं, नन ऑफ दीज पूरा नहीं है. सो एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इज द टीचिंग इज अ यूनिक इनिशिएटिव द ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट. हम ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं ऑफ द 15 लाख हायर एजुकेशन फैकल्टी यूजिंग स्वयं पोर्टल. 15 लाख हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए हम फैकल्टी जो है, जो टीचर हैं, वो डेवलप करना चाहते हैं थ्रू द स्वयं पोर्टल, जो अपने आप से पढ़ के यहां तक आए हो, है ना. और स्वयं पोर्टल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों. दिस इज अ फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. यहां से आप फ्री के अंदर कुछ भी ज्ञान ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं. सो ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया एक इनिशिएटिव है दोस्तों. सो एनआरसी जो है, नेशनल रिसोर्स सेंटर एनआरसी, विल बी आइडेंटिफाइड टू प्रिपेयर ऑनलाइन ट्रेनिंग मटीरियल. इसको एनआरसी को बेसिकली, नेशनल रिसोर्स सेंटर को ऑनलाइन जो मटेरियल है वो प्रिपेयर करने के लिए चुना गया है. एनआरसी के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं आपके जो काम करेंगे, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IIS, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IUCEA, IITs, IICR, IISER, NITs, IGNU वगैरह, बहुत सारे जो हैं इसके अंदर वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं. अगली बात करूं तो इट विल फोकस ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द डिसिप्लिन. अभी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, न्यू एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स, नए इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है, पेडागोजिकल्स इंप्रूवमेंट्स एंड मेथोडोलॉजीज फॉर ट्रांजेक्टिंग रिवाइज करिकुलम, इन सब के लिए रामायण स्टार्ट हो गया. बढ़िया से देखो आराम से, है ना. मैंने कल एक वो देखा था, पोस्ट आया हुआ था कि जिंदगी के जो अंतिम समय होते हैं ना, उसमें महाभारत और रामायण देखी जाती है. यार हद है, मतलब इतने चुटकुले तो इंडिया कहीं पूरे दुनिया में नहीं बने होंगे.
जितने अकेले इंडिया ने टिकटॉक पे, मतलब सारा टैलेंट हम इधर ही दिखाते हैं नेगेटिविटी में। एक ऐसी वीडियो नहीं है जो पॉजिटिव पॉजिटिविटी दे आपको, पॉजिटिव मैसेज दे, है ना। सब की सब देखोगे तो 99% नेगेटिव वीडियो है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ यार ये चीजें छोड़ दो एंड ट्राई टू इम्प्रोवाइज योर सेल्फ, है ना। अकेले रहो, सेल्फ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, आइसोलेशन में रखो अपने आप को एंड ट्राई टू यूज दिस टाइम फॉर द सेल्फ इंप्रूवमेंट। मुझे पता है आप आधे से ज्यादा लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, बट बैठ के ना इसका मतलब समझने की कोशिश करना। आप और मैं सेम एज ग्रुप में हैं हम, ठीक है, लेकिन मैं बात बोल रहा हूँ, मैं आपको एक बात सिंपली बता रहा हूँ कि ये टाइम जो है ये बहुत क्रूशियल है आपके लिए, है ना। बहुत अच्छे से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जिन बच्चों को समझ में आएगी वो बात समझेंगे थोड़े दिन के बाद में, जिनको नहीं आएगी वो नहीं समझ पाएंगे। स्प्रिंग फेस्टिवल, सो स्प्रिंग में कुछ फेस्टिवल्स होते हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में, तो वो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। पहला है गुड़ी पाड़वा, ठीक है, ये कहाँ होता है, ठीक है। उसके बाद है नवरेह, उसके बाद है उगादी, उसके बाद है आपका सजीबू। तो देखना आपको मिलान करना है कौन कौन सा जो पेयर है वो सही है। गुड़ी पाड़वा गुजरात, तो ऐसा है क्या गुजरात में थोड़ी ना होता गुड़ी पाड़वा। हमें तो गुड़ी पाड़वा सुना है, वो पिक्चर भी आई थी ना जॉन अब्राहम की, तो उसके अंदर हमने सुना था अनिल कपूर जॉन अब्राहम की वो जो पिक्चर थी गुड़ी पाड़वा है, तो गुड़ी पाड़वा हमने सुना। बेसिकली इट इज रिलेटिव द महाराष्ट्र, तो पहला स्टेट, पहला तो गलत हो गया, तो जितने में पहले हैं तो फर्स्ट पे तो मैं काटा मार दूंगा, तो ये तो गलत ही होगा ना। बाकी मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट मेरा बहुत वीक है दोस्तों। इनकरेक्टली मैच्ड आपको पूछना है ना, विच पेयर आर इनकरेक्टली मैच्ड, तो वन तो होगा ही होगा, इसलिए वन इनकरेक्टली मैच है तो मुझे लग रहा है ए ही होगा इसका। हाँ देखो कई बार आप ऐसे ना पिक्चरों से भी कर सकते हो, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी बट फिर भी मैंने इसको कर दिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज ग्रीटेड द पीपल्स ऑन द ईव ऑफ द छत्री चैत्र शुक्ला प्रतिपदा उगादी गुड़ी पाड़वा चेती, ये बहुत अलग अलग नाम है इनके लिए। भारत के राष्ट्रपति ने शुभकामनाएं सबको दी हैं। यूएस रिपोर्टेड मोर कोरोना वायरस केस देन द चाइना एंड इटली, ठीक है। सो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार ये कोरोना वायरस से रिलेटेड न्यूज ना खत्म की जाए इसमें से, ना बहुत बेकार है, खाम खा की पता नहीं क्या। ठीक है हो गया सो हो गया, है ना, तो काय को इन चीजों को बढ़ाना है यार, क्या ये ठीक है जो हो रहा है हो रहा है। तो चलिए ये सही सीक्वेंस है आपका कौन सा कहां पर है ना, आप लोगों को पता होगा। और लॉकडाउन है आपका, कोई दिक्कत नहीं है लॉकडाउन के अंदर, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करो यार। अनअकैडमी ने बहुत बेस्ट टीम आपको दी है अंडर द गाइडेंस ऑफ आशीर्वाद सर द महामहिम, तो महामहिम से बहुत कुछ सीखने को हमें मिल रहा है। और बाकी टीम भी काम कर रही है, मैं तो हूँ आपकी सेवक हो, मैं क्या बताऊँ आप लोग जानते ही हैं। बस याद रखना है कोड सुमित 10 खास है, बाकी आप लोग जानते ही हो, है ना, बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ज्यादा मैं कहूंगा नहीं तो बहुत सारे बच्चे हैं गुस्सा कर जाते हैं कि सर आप यही करते हो, है ना, आप तो यही करने आ रहे हो यहाँ पे फलाना ढिमकाना, विच द थिंग्स एक्चुअली मेरे को बहुत बुरी लगी यार, और मैं बहुत डिस्करेज हूँ इस बात से। इट जस्ट अ इन्फॉर्मेशन जो मैं आप तक पहुंचाता हूँ कि ऐसा भी कुछ है ना। अगर एक कंपनी आई है, मान लो लाइबॉय है, साबुन बन रही है, लाइबॉय बोल रहा है कि ये मेरी साबुन है, इतने में ये अच्छी साबुन है, अगर कोई कल को प्रोडक्ट आता है COVID-19 की दवाई आती है और बताया जाए ये नई दवाई है, अच्छी दवाई है और इसका प्राइस इतने रुपए का है और आप ऐसे इसको परचेज कर सकते हो, तो आई डोंट थिंक दैट इज रॉन्ग, दैट इज अ इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जा रही है। बट ठीक है आप लोग गलत समझते हैं, कोई बात नहीं। बाकी इफ अगर इफ दोज हु वांट्स टू जॉइन दे कैन यूज दिस कोड सुमित 10। चलिए टेक केयर, ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।